जा के साड़ी बा ई पहिंदा एकमात्र ई है वो पाए बा ओकरा नजर में आवे से बचे के, लेकिन तबो अपने बेटी के अपराध खातिर हम तोरा आगे हाथ जोड़कर माफी मांगा तनी श्यामा। चला अब तू लोग तैयार हो जा, हम मीरा के ध्यान भटकावे के प्रयास करता नहीं। एकरा बीच में तू लोगन के ई काम करे के बा कि मीरा के नजर से बच के खाली खीर के वो दोनों कटोरी के अदला बदली कर देवे के बा बस। लेकिन अभी करब कैसे, कहीं वो आपके कुछ नुकसान पहुंचाई फिर का? नुकसान ना पहुंचाई माई बानी हम होकर हमरा के नुकसान ना पहुंचाई। हाँ जहान से मार सकती है, लेकिन अपना आंख से तो अपना संतान के मौत देखे से अच्छा होगी कि हम अपन भेद त्याग दी। तू लोग जाओ साड़ी पहन लो। जाननाशक प्राणनाशक ओम ह्रीं क्रीं भैरवाय स्वाहा। जाननाशक प्राणनाशक ओम ह्रीं क्रीं भैरवाय स्वाहा। बुद्धिनाशक शक्तिनाशक ओम ह्रीं क्रीं भैरवाय स्वाहा। बुद्धिनाशक शक्तिनाशक ओम ह्रीं क्रीं भैरवाय स्वाहा। हिम्मत देखने के बाद चुपचाप इसको तमाशा बंद करा बुझलू, और निखिल के होश में लाके ओकर पत्नी के सौंप दा, ना तो तहार डाल ले उन्हें हमारे तनी को हाथ ना काफी मीरा। अच्छा आपन बेटी के जान से मरबू आपकी का बुझाता, इतना सामर्थ बाप में बड़का हमरा मारे चल लिया ई। अरे निखिल अगर हमार ना भाई तो हम तो ओकरा के जान से मारी दे। जा श्यामा। हाँ। भगवान आपके आत्मा के शांति दी है। निखिल हो सकेला अभी जे हम तरह के देवे जाता नहीं उसे तहार प्राण भी छूट जाए। हमार करेजा तनी सा दर्द महसूस होगी, लेकिन वो श्यामा के साथ जीवन जिए के दर्द से तब बेहतर बा ई दर्द। एक घूट में ई खीर पी जाए के बा होकर बाद हमनी के जोड़ी बन जाई अटूट अभेद ऐसन जोड़ी जेकर प्रेम की चर्चा युग युगांतर तक होगी। युग युगांतर तक।
कोई ना हो सके। सारा फसाद के जट तू एकमात्र श्यामा पिया। आप लोग के शायद मालूम नहीं थे, ये घर से भगावे के बाद वो सीधा मीरा के घरे गए रहनी। टुकड़ा से झगड़ा करे खातिर, जान से मारे खातिर, बदला लेवे के भूत सवार रहे ओकरा माथा पर। और मीरा इतना परेशान रहनी बेचारी कि हमरा से छोटका बबुआ से मदद के भीख मांगत रहनी। लेकिन श्यामा ऐसा आतंक बना देले रही कि छोटका बबू अपन जान परान छोड़ के खुदे ड्राइव करके जात रहले। लेकिन संजोग से बीच में ब्रेकर आ गई और बबुआ के सारा ध्यान मीरा पे रहे। ठोकर लगे के वजह से गाड़ी सीधा जाके पेड़ से टकरा गई। फिर का माथा कार से टकराए के वजह से छोटका बबुआ उसे बेहोश हो गई। फिर आनंद पानन में इनका के ले जाके हम अस्पताल में भर्ती करेली। तभी मीरा के फोन आई कि श्यामा गुस्सा में हुकरा घर में घुस के मीरा के जान से मारे के धमकी देले दिया। हाउ डर से मीरा आज ही शहर छोड़ के जाती है। परेशान हो गए रही हुई कुल तमाशा से, कितना बर्दाश्त करत माई और काहे खातिर। और ये लेकी के साहस तो देखी, अभी भी घर के बाहर खड़ा दिया माफी मांगे खातिर, ताकि दोबारा से घर में घुस सके। निर्लज कही के माफी रुका तू, हम बता बतानी ओकरा माफी के असली मतलब का होगा। रुकी माँ, तनी देखी अपन आपके का ऐसा घटिया आदमी के मुंह लागल आपके शोभा दे नानू। माँ निखिल बबुआ के ठक की अनपढ़ गवार लेकी उनका से बिया कहने ले रहे, तब ओकर कुल खानदान ओकर पृष्ठभूमि ओकर बैकग्राउंड से अनजान रहनी हम। लेकिन अब ना, अब ओकर काला चिट्ठा खुल गई बा, सारा सच सामने आ गई बा। हम तो कहा तनी कि आप दोनों लोग अभी ई विषय से तनी दूरी बना ली। और अभी तो आपके तीनों बेटा भी घर में नहीं थे, बेहतर होगी कि सारा काम आप हमरा के सौंप दी। साप के मुंह पूछ के मारल जाला की पूछ मन से मालूम बा हमरा। बाऊ जी आपका कहता नहीं। माने ये तो एक तीर से दू शिकार हो गई। आपके सामने अपन प्राण त्याग देबा।
जवाब दी, जवाब दे बोले ना, जवाब दी कि काहे हमार सुख छीन लेनी, काहे हमार मां सूना देखे के चाहता निया, जवाब दे बोले। निखिल ये कौन बात है? तहार आँख खुलल ना बेटा, कि सवाल के बौछार शुरू हो गए। अब अभी तू आराम करा ना, बाद में तोरा के सब बताई, कहाँ पहिर रहे, कैसे पहिर माई रहे। एक सेकंड, ये सब कुछ बात है, हमरा की बताई कि मीरा कहाँ भी है। बजाय पूछे के कि श्यामा कहाँ भी है, तोरो बेचार में कहा था कि मीरा कहाँ भी है। बड़के भैया आप कैसे बनी? अरे हम ठीक बानी, तू अपन बताओ श्यामा के साथ का कैला, कहा भी आऊ कुछ मालूम बा? श्यामा भैया, ये श्यामा के लिए और हम काहे रखी मालूम के भैया ही श्यामा। आपके कम से कम हमार बात पूरा सुन लेने के चाहिए। एक मिनट मानसी, ये कौन मतलब है निखिल कि श्यामा के भैया? अरे कमल तमाशा हो तो घर में समझ में ना आवत हमारी। आप साथे चली आई, हम बतावत आनी आपकी चली। श्यामा, ये श्यामा के भैया। तू आराम करा बेटा, हम अभी जूस लेके आवत आनी। भाई हमरा की एक बात बताई कि प्लीज सच सच बताई, ये श्यामा के भैया पता ना? तू रहे ना बेटा, अभी तो आराम करा, तारा आराम की जरूरत का। हाँ चला, ये आपको पोछ ला बेटा, सब ठीक हो जाए। कैसे कैसे ठीक हो जाए माए, उम्मीद निम्न बात होला, लेकिन असंभव के उम्मीद पागलपन कहला। और हम तो ऐसे मझधार में बानी कि दोनों तरफ मायूसी ही मायूसी दिखाता हमरा, और हमार जिंदगी में तबले कुछ भी ठीक ना हुई जबले हम ओ घर में आपन घर वाला के लगे लौट के नइखे पहुंच जाता है। जबले कुछ ठीक ना हुई कुछ हो ना बुझाता आपन दुल्हा से लड़ झगड़ के आयल बढ़ू, यही बात बा ना। चला मोबाइल नंबर दा उनका, पहले तुहार दुल्हा के इस सुख समाचार दे। का कैसे सुख समाचार? वो सुख समाचार बा तुहार श्यामा कहाँ भैया? मेला मेला चला चला बैठे की कोशिश करा। देखा बबली, अब तू एक ना दो जान बाड़ू। निखिल बाबू क्या कुछ हो याद नहीं किया, ना तू और ना ही अपन बिया। डॉक्टर साहब खुदे ही बात की पुष्टि कहले हैं, अभी जरूर जाए बाबा भोलेनाथ के चौखट पर, वो हो पैदल
नंगा पैर और अपन सवाल के जवाब मांग के ही रहा उनका। हम अपन बेटा के अपन निखिल के अपन साथे लेके चल जाता नहीं, घर पे छोड़ के। ना मां, दया करी हमरा ऊपर, भीख मांगता नहीं हम आपसे, मत दूर करी हमरा अपन पति से, रहे दी उनका और हमरा एक घर में, पड़ल रब हम नौकरानी बनके कोनो कोना में, लेकिन उनके हमार नजर से दूर मत कर, और खासकर ई हालत में तो एकदम ना। ममता, राजीव ठीक कर रहा था, श्यामा के अभी अंदर आवे था, और जे भी बात विवाद बा ओकरा बाद में देखल जाए। जबकि निखिल के तबियत ठीक नहीं थे, तो निखिल और श्यामा के संबंध कैसे आगे ले जाए के बा एकरा पर बाद में विचार कर जाए। विचार हो चुकल बा बाबूजी, स्वयं भोलेनाथ कैले बना विचार, तो इंसान के का ताकत बा उनकी आदेश पर विचार कैला करो। छोटकी दुलहिन पेट के बाड़ी बाई, रुआ छोटका पुत्र के सुपुत्र, अरे वाह, माने हमनी के अब नया नया व्यंजन खाए के मिले, एकदम स्वादिष्ट। हाँ श्यामा जी, बिल्कुल स्वादिष्ट भी, अलग भी, और जे आप सबके फरमाइश हो की उकुल भी। अरे वाह, लेकिन आप बाहर खाए खड़ा बने, भीतर आई बिजली, सर्वेंट क्वार्टर दिखाओ श्यामा के। खैर, वैसे आप लोग बताएं के प्रेग्नेंट बा, केकर बात होत रहे जा। छोटका बबुआ, आपन घर के बात नहीं खे, वो अपन पड़ोसी बारे नू पाठक जी, उनके घर की बात बा। ओके, पाठक जी के कांग्रेचुलेशंस। अरे श्यामा, अभी ले वजह का करता है? ए बिजली, एक बार कहे से समझ में नहीं क्या उसका, श्यामा के लिए क्या हो भीतर आवा श्यामा, और हमरा के एगो कॉफी चाहिए जल्दी। जय भोलेनाथ। ममता, ये अब बीतल बात के अपना तूल दिला से कुछ ना मिली, एबे तो तारा श्यामा के स्वीकार कर ही पड़ी। देखो अतना उठा पटक के बाद कितना खुशी के समय आयल बा अपना घरे।
सावन के पहलका सोमवार के भोलेनाथ के कृपा से हमनी के दादा दादी बने के खुशी मिलल बा। अपना बर खुशी के हमनी के नजरअंदाज करके और पुरान बात में अटकल बनी जा। अरे अपन निखिल के बच्चा बा, असल मूर के असली सूद भेटाइल बा। बेवजह ओकरा परेशान मत करो, शांति से जिए द बेचारी के, ख्याल रखो ओकर। ओकरा पति ओकर पहचानत नहीं के, एक बार सोच के देखो कि ओकरा दिल पर का गुजरत हुई। सास माई के जरूरी बात श्यामा के अभी। ऐसे भी पतोह के ख्याल रखल सासे माई के नुकाम होला। ममता का हो, कुछ सुनाई देता हमार बात? ममता का लगता तारा कौन नया खेल खेले के तैयारी करता रहो? अरे उस श्यामा के हम अपन बेटा से जितना दूर करे के कोशिश करता नहीं, उतना ही तू ओकरा करीब लावे के धोखा देता रहो। लेकिन काहे खातिर? माँ साचो का आपके ऐसन बुझाता हम उस देहाती लेकी के पास आवे के मौका दे? का मतलब बता हर? मतलब अच्छा माँ एक बात बताई, आखिर आपके उद्देश्य का बा? हमारा उद्देश्य वो लेकी के पाल पकड़ के ओकरा एक घर से बाहर निकाले खातिर हमार करेजा छटपटाता। फिर तो हमनी दोनों के एक ही उद्देश्य बा, आपके तो करेजा छटपटाता, हमार तो अस्तित्व ही हिल गई बा तू बच्चा के आवे से। मछली तो नहीं साफ साफ बोला तू का कहे चाहता रू? मौका आवे दीमा सब समझ में आ जाई तब ले। महाज्ञानी चाणक्य के कूट नीति अनुसार कौनो कठिन कार्य पूरा करे हेतु चार कूटनीति के जरूरी पड़े ना। पहला शाम, दूसरा दांत, तीसरा दंड और चौथा भेद। लेकिन हमार इच्छा बा काहे ना हमनी के एकरा तनिसन उल्टा कर दे। मतलब कि पहला भेद श्यामा और निखिल के बीच में इतना मतभेद शुरू कर दी कि कब हो दोनों एक ना हो पाए। सब समय निखिल के मन में श्यामा खातिर घृणा छोड़ के दूसर कुछ ना बची। और ई कार्य के शुभ आरंभ हेतु आज रात से सुंदर मौका दूसर निखिल। प्लान तो ठीक बा मछली तो है, लेकिन लेकिन कैसे का करबू तू? बलिदान, क्लाइंट के मेहमान नवाजी में अगर तनको चुप भई तो 100 करोड़ के डील हाथ से निकल जाए। हानू श्यामा ऐसन लड़की से छुटकारा पावे खातिर 100 करोड़ रुपया हमार नजर में बहुत छोट बलिदान बा। सोच की देखी माँ, एक तरफ आपके दुलरुआ बेटा के भविष्य बा और दूसरी तरफ 100 करोड़ रुपया। आपकी नजर में इन दोनों में से सबसे महत्वपूर्ण कौन चीज बा माँ? निखिल या 100 करोड़? तू सोचत होकबू कि हमनी के बीच में ऐसे कवन गड़बड़ी हो गई बा कि तुरंते में हम तहार हित में हो जाने और तुरंते में ओकर विपरीत। तो चला तहरा सच बता ही देता नहीं कि पूरा झा खानदान पर राज करे वाला महारानी मलकिनी एक के बा और एक के होकी माया झा। बुझाइल ना? अब साम्राज्य खड़ा करे खातिर ई कुल तो करे के ही पड़े लनु। श्यामा दुनिया बहुत विचित्र बा, कभी कभी तो भावी उत्तराधिकारी के भी काम खत्म करे के पड़ेला।
बिजली आप बिजली कहाँ गया? जी वो बाजार गई था, कुछ तो सामान लावे के रहे बाहर से, आप हमरा बता दी कुछ काम बाका? कुछ ना, ये हमारा फेवरेट शर्ट है, देखा के धोवावे के बाद काहे खातिर रात में ही पहरे के बाद कौनो बात ना, हमरा दे दी, हम धो देतन। ओके, अरे वाह, तैयारी तो बहुत निमन बुझाता। मजली भौजी, अपन सारा रेसिपी सिखा दे लूगा श्यामा के। हमार दुलरवा देवर जी, ई कौनो पहला मौका थोड़े ना बा। नहीं, हम शर्ट धो देता नहीं। थैंक यू। देखे के बा ई बार कैसे जीते लू तू श्यामा, जब वो क्लाइंट लोग के पता चली कि तू का कुल खिलौले पाड़ू, फिर तो एक तरफ निखिल के हाथ से 100 करोड़ के डील होगी रफू चक्कर, और दूसर तरफ खुदे तहारा उठा के घर से बहुत फेंकती, एक थी दो निशाना। काम बाका? कुछ ना, ये हमारा फेवरेट शर्ट है। श्यामा, आप तो हाथ दूधी कोफ्ता ना चिकन कोफ्ता बनी। चारी श्यामा कैसे तहा दूधी कोफ्ता चिकन कोफ्ता में बदल गई, ई तहरा का भी पता ना चल पाई। बेचारा निखिल, तैयार हो जा, 100 करोड़ के चूना लगे जाता तहरा, लेकिन तहार हानि हमार लाभ बनी लाभ। और कैसे ई भी तहरा बहुत जल्द पता चल जाए। आप लोग के नया काम के शुभारंभ करे खातिर सावन महीना के आज के दिन बहुत शुभ बा, एकदम निमन। बिल्कुल हम आपसे सहमत बानी मिसेज झा, ई सावन महीना में हमार गहरा आस्था बा, ई सावन महीने में हम बाहर के खाना के हाथ भी न लगावे नहीं। लेकिन जब मिस्टर निखिल हमसे कहले के सावन में आपके घर भी उहे पुरान रीति रिवाज के पालन होते ला, तो हम सोचली अब तो जाए के पड़ी। धन्यवाद भाई साहब, वैसे सावन महीना में लहसुन प्याज मांसाहार ई कुल से दूर रहे के हमने के घर के परंपरा बहुत पुरान बा, बस ये सोचली कि हमार सास के समय से इहे कुल चला लावता। वैसे हाँ, अगला सोमवार की भोलेनाथ के कृपा से उनकर पूजा रखे के आयोजन भी होके जाता, भजन कीर्तन सबके व्यवस्था बा। आपके आपन परंपरा बताए के जरूरत नहीं है मिसेस झा, घर के सदस्य तो दूर, काम वाले का खरियर पहिर ले दिया, साचो दुर्लभ दृश्य भाई। देखी बा, बस इतना ना, हमार काम वाली तो आप लोगों के मुंह मीठा करावे की तैयारी पहले से ही कर ले दिया। उका कहा जाला सिंघाड़ा के स्पेशल हलवा, हेने डी लॉक होने मुंह मीठा करावल शुरू, माने हमने के विश्वास तो देखी, मतलब डील ला करे के खातिर हलवा खाए के पड़ी ना, तो हलवा से वंचित रह के पड़ी। अनु ओह थैंक्स, रही दी ना चाहिए हमरा।